एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो क्या हाल है बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था, अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, उसको हमने कम्प्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का इससे रिलेटेड कमेंट्स भी आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे हमें कि सर रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, तो लिहाजा हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ आएंगे। तो इससे पहले तमाम जो चैप्टर्स हैं बच्चों, वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज प्ले लिस्ट के फॉर्म में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है। अगर आप कोई भी चैप्टर देखना, सुनना, समझना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें उस लिंक पर और उस पूरे चैप्टर को घर बैठे सुकून से बगैर पैसे दिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कोई भी जो क्यूरी है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको साथ साथ क्लियर कर दूँ। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 6। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। नंबर 1, तो हमारे पास है बच्चों ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज इक्वल टू 0 इज लीनियर इक्वेशन। अच्छा देखो, बुक के आंसर्स पे मत जाना, पीछे बुक के आंसर्स में बहुत सारी मिस्टेक हैं, पिछली रिव्यू एक्सरसाइज में भी बहुत मिस्टेक थी चैप्टर 5 की, और इसी तरीके से चैप्टर 6 की भी सारी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने चैप्टर 5 की उठाकर कॉपी कर दी चैप्टर 6 में। ठीक है, तो उसको ज़रा गौर से देखना है, तो इसलिए मैंशन कर रहा हूँ। फिर बाद में बच्चों का कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आपने जो है ना यहाँ पर ही आंसर बुक में इस तरह मैच नहीं हो रहा, तो लिहाजा गौर से करो बात को, वीडियो में मैं उस चीज का जवाब दे देता हूं कि कहां पर आपने आंसर को फॉलो करना है, कहां नहीं करना है। तो बच्चों देखो, एक चीज याद रखो कि लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन की निशानी होती है कि अगर ए एक्स प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 0, तो याद रखो कभी भी जो ए है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में वो यही कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ क्या किया कि x की जगह पर y लिख दिया, बस इतना सा काम किया। तो ए वाई प्लस बी और वो कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। सो लिहाजा जो नंबर 1 का आंसर है दैट शुड बी फॉल्स। क्लियर है, और ये आपको ब्लैंक बच्चों चैप्टर के स्टार्ट के पहले पेज पे आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर ये बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म होती है, जो हमारे पास ए होता है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के अंदर। चलो नंबर 2 पर आते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ 3y माइनस टू इज लेस देन 7। ठीक है, और y का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। तो जल्दी से देख लेते हैं, 3y माइनस टू वहाँ जाकर प्लस टू, 3y लेस देन 7 और 2 9, तो y इज इक्वल टू 9/3, नॉट इज इक्वल टू दैट इज लेस देन 3 × 3 3 × 3 = 9। तो y छोटा होना चाहिए बच्चों किससे? 3 से। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 4, 5 and 6। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? दैट इज़ ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई? वाई छोटा होना चाहिए 3 से, लेकिन ये सारे नंबर 3 से क्या हैं? बड़े हैं, ग्रेटर हैं, तो लिहाजा नंबर 2 इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों? देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करो और अपने जितने भी क्लास फेलोज हैं उन तक इसको लाजमी पहुँचाया करो, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताया करो कि सर आप किस तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आती, तो वो भी लाजमी मैंशन किया करो। चलो नंबर 3 पर आते हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज 4। चलो भाई देखो, अंडर रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3, कह रहे हैं आंसर आना चाहिए 4। लाओ चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस का 1 वहां ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 3 में से 1 गए, 2 बचे। अब हमें y चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो उन्होंने सही कहा कि हमारा जो जवाब आ रहा है वो 4 आ रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ सॉल्व करवा लूँ, आप उसको टिक कर लो आंसर को, हाँ भाई हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि हाँ भाई आंसर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाया है। अदरवाइज़ देखो, मैं भी ये कर सकता था, मैं आपसे कहता चलो बच्चों खोलो किताबें, लगाओ पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास ट्रू हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों नंबर 4 के ऊपर। सोल्यूशन सेट ऑफ
मॉड्यूलस 4y इज इक्वल टू 8 इज 2 और माइनस 2। चलो हाँ भाई, मॉड याद है किया था ना 6.2 के अंदर, मॉड 4y इज इक्वल टू 8 क्या ना जवाब आना चाहिए 2 और माइनस 2, सही है, चेक करते हैं। चलो भाई, जब मॉड हटाते हैं तो एक दफ़ा प्लस के अंदर और एक दफ़ा माइनस के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें की हुई हैं। अब ये यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, सो y इज इक्वल टू 2। देखो एक जवाब तो आ गया हमारे पास, यहाँ चेक करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 8, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 2 8, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे दोनों जवाब जो हैं वो परफेक्टली मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। समझ आई बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। अब आ जाओ जल्दी से 5 की तरफ। द सोल्यूशन सेट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, देखो अब इसको समझो जरा, ठीक है, ये x उन्होंने दरमियान में लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये लाइन लग जाती है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि अब मैंने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 5 से बड़े हैं। अगर मैं यूँ लिखता हूँ कि x बड़ा है 5 से, तो आप आंसर्स क्या लिखेंगे, 6 7 8 9, बात समझ में आ रही, 5 से सारे बड़े। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो फिर हम 5 को भी शामिल करेंगे कि 5 और 5 से बड़ा, आई बात समझ, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू 2, देखो बहुत आसान सी बात कह रहे हैं कि x बड़ा है या बराबर है माइनस 2 से, तो देखो माइनस टू के बाद क्या आता है, बड़े की बात कर रहा हूँ, -1। हाँ भाई ये बात सबको पता है कि 1 बड़ा है 2 से, सॉरी ये कौन सी बात पढ़ा रहे, यहाँ पर माइनस की बात हो रही है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है, जब माइनस लग जाता है तो जो नंबर छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है, तो यहाँ पर -1 बड़ा है -2 से, -1 से बड़ा कौन है भाई, 0, ठीक है। फिर x छोटा है या बराबर है 2 से, तो 1 और 2, ये हमारा आंसर है जो परफेक्ट आंसर है। अब उन्होंने क्या दिया हमें भाई, -2 दिया, 0 दिया और 2 दिया, ठीक है, तो देखो -2 से लेके उन्होंने बेसिकली 2 तक दे दिया, तो इसका मतलब ये कि ये नंबर भी उसमें शामिल हो गए हैं, तो इट मीन के दैट इज परफेक्ट आंसर, सो लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई, ट्रू फॉल्स समझ में आया, मूव ऑन करें फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलो अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, ठीक है, गौर से देखते हैं जी। पहली ब्लैंक क्या कह रही है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 2y इज इक्वल टू -y इज डैश, ठीक है। अब ज़रा इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या स्टेटमेंट बेसिकली उसने दी है। हाँ भाई, तो बच्चों वो कह रहे हैं कि 2y इज इक्वल टू -y इज डैश, देखो ज़रा समझो, 2y है ये माइनस का वाई है बच्चों, यहाँ ले आऊँ अगर तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहा तो ज़ीरो तो होता ही है, बात समझ में आई, वाई वाई सेम है तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है 2 और 1 3y 3y इज इक्वल टू 0, मुझे वाई चाहिए, वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाकर डिवाइड, तो 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारी ब्लैंक आंसर इज अंडा, दैट इज 0, आई बात समझ, ठीक है। देखो बड़ा आसान सी ब्लैंक है लेकिन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि सर 3y इज इक्वल टू -y, ये कैसी ब्लैंक है, तो भाई बिल्कुल आसान सी ब्लैंक है, अब माइनस वाई को यहाँ शिफ्ट किया, ऐड किया और उसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट। हाँ अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ईमानदारी से कि सर हमें ये पता था या नहीं। हाँ भाई क्या करें, क्या मैं पहले प्लस 5 को वहाँ ले जाऊँ -5, जैसे हमने ट्रू फॉल्स के अंदर किया था, कौन सा ट्रू फॉल्स था भाई, वो था ट्रू फॉल्स नंबर 3, चेक करो अगर बुक पड़ी हुई है, ऐसे ही किया था, प्लस 1 को वहाँ ले गए थे, क्या हम यहाँ पर भी ऐसा करें, नहीं,
ऐसा हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो 5 है वो रूट के अंदर है, तो इसलिए हम 5 को वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि ट्रू फॉल्स के अंदर वो ब्रैकेट के अंदर नहीं था, तो इसलिए हमने 1 को शिफ्ट कर दिया था। आ गई बात समझ? बस आसान सी बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्ट कर देते हैं। स्क्वायर से रूट मर गया तो वाई प्लस 5 बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर 25, तो y इज इक्वल टू 25 प्लस का 5 आ जाकर माइनस का 5, तो y बराबर आ गया किसके बच्चों, बोलो, 20 के। बहुत आसान सी ब्लैंक, देखो कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट है और चेंज है, पिछले वाले की तरह नहीं कि वाले काम इस्तेमाल नहीं किया, प्लस 5 है वहाँ ले गए माइनस 5, नहीं, बिकॉज दिस 5 इज इन अंडर द रूट, तो आप रूट के अंदर से किसी वैल्यू को शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक उसमें से रूट नहीं हटाओगे। क्या बात है सर, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही बातें। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर, सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करें? देखो मॉड को अकेला करना होता है, ये चीज़ हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ी, माइनस 4 वहाँ चला गया तो प्लस का 4, अब 0 हटा दो, 0 को कोई फायदा नहीं है। चलो अब मॉड खोलूँगा तो एक दफ़ा प्लस का 4 और एक दफ़ा माइनस का 4, तो यही आंसर है। क्या कहते हैं? प्लस 4 माइनस 4। अच्छा जी, तो ब्लैंक है, ब्लैंक के अंदर आप लिख लेंगे प्लस 4 कॉमा माइनस, ये आंसर, ये आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। सारे सॉल्यूशन सेट उठा के दे दिए उन्होंने। जिस बच्चे ने पिछली एक्सरसाइज की मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखी है तो मुझे यकीन है कि वो इस रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर नहीं देखी है तो फिर जाकर देख लो ताकि वो समझ में आए, तो ये करने में मज़ा आएगा। अच्छा जी, सॉल्यूशन सेट ऑफ, क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पर उन्होंने कंबाइन कॉन्सेप्ट दिया, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज डैश। अब देखो वही वाली कहानी आई जो अभी मैंने रिपीट की। अब इस 2 को तो आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इस 5 को शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज दिस 5 इज इन रूट, तो हम यही करेंगे, इस प्लस 2 को शिफ्ट कर देते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस 5 तो ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 4 माइनस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 में से 2 गए, 2 गए, 2 बचे, अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट गया तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 वहाँ जाकर बच्चों माइनस का 5, प्लस 5 वहाँ जाकर माइनस का 5। चलो भाई 5 में से 4 गए 1, 5 बड़ा तो माइनस का 1, तो ब्लैंक आंसर क्या हुआ? माइनस 1। देख रहे हो, बात समझ रहे हो? तो अब जो बच्चे नए हैं स्पेशली जिन्होंने इस दफ़ा बोर्ड एग्जाम अटैम्प्ट करना है, तो बच्चों इस चीज़ को समझो कि आपके जो मैथ्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो इसी लेवल की होते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट आप उसके आंसर दे दें। कुछ हमारे पास ऐसे एमसीक्यू होते हैं, लेकिन मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको सॉल्व करोगे तो ही बात समझ में आएगी, तभी सही आंसर पिक करोगे, अदरवाइज सारे जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, आप गलत ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने इसको सिंपलीफाई किया। अब आ जाओ जी आखिरी फिल इन द ब्लैंक के ऊपर, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, वही वाली कहानी है, वाई बड़ा है 0 से जब वाई प्लस 2 और ये छोटा है 5 से, ठीक है, और वाई का ताल्लुक है रियल नंबर से। आप देखो जरा समझो, वाई प्लस 2 बड़ा है 0 से, अब 0 से बड़ा नंबर कौन सा, 1, 2, 3 चलता रहेगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि y प्लस 2 बड़ा तो है 0 से लेकिन छोटा है किससे, 5 से, तो 5 से छोटा 4, तो आपकी ब्लैंक के अंदर ये आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। बोलो भाई, बात समझ में आई? तो ये हमने यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स को मुकम्मल किया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एमसीक्यूज। हाँ भाई, करें एमसीक्यूज की तरफ, तैयार है? चलो भाई आ जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, जल्दी से देखते हैं एमसीक्यूज में हमें क्या मंजर मिल रहा है, उसको भी ज़रा हम देखें और उसको हम सिंपलीफाई करें। चलो देखो यहाँ पर भी उसी तरह के एमसीक्यूज हैं कि हमने इनको सिंपलीफाई करना होगा बच्चों। चले भाई, एमसीक्यू नंबर 1, द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल हैज डैश 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट मोर देन 1 एलिमेंट। हाँ भाई बताओ, लीनियर इक्वेशन के अंदर जो एक वेरिएबल होता है उसके पास कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसके पास एक ही एलिमेंट होता है, जैसे मैंने लिखा था ना ए एक्स प्लस बी, तो ये बी जो है वो एक ही एलिमेंट है, तो तीसरा नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना, यही लीनियर इक्वेशन की निशानी है। तो नंबर 1 का जो आंसर है बच्चों, दैट इज ए, ओनली 1 एलिमेंट। आ जाओ नंबर 2 के ऊपर। हाँ भाई, मॉड्यूलस है माइनस 20। हाँ,
देखो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, बड़ा ही काम की बात है। अगर मॉड है 10, अगर मॉड है -10, इस चीज़ को समझो, दोनों का जवाब +10 होगा, दोनों का जवाब +10 होगा, यानी कि जब मॉड खोलूंगा तो प्लस में। देखो ये फिजिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आकर ये पढ़ोगे ये चीज़ें, कि जब भी हमारे पास फिजिक्स के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही होती है, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा होता है, तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए उस पर क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो याद रखना है, ठीक है, प्लस वैल्यू का मॉड खोलोगे तो आएगा ही प्लस, लेकिन अगर माइनस की वैल्यू का मॉड खोलोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। बड़े काम की बात है, ठीक है, तो इसको समझना था। तो हमारा क्या आंसर होगा भाई, -20 था तो क्या हो जाएगा, +20। सो इट्स मीन कि ए ऑप्शन इज परफेक्ट। हाँ भाई, बात समझ में आई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब आ जाओ नंबर 3, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स बराबर है 4 के या 4 से छोटा, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए भाई, नंबर ए, देखो ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्स छोटा है 4 से, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो कह रहा नहीं 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। बी देखो x बराबर है 4 के, नहीं 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है, तो ये भी गलत हो गया। सी पर आओ, x छोटा है 4 से और x बराबर है 4 के, आ गई बात क्लियर हुई, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर, कि x छोटा है 4 से या x बराबर है 4 के। बात क्लियर हो रही है, दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं। चलो अब आओ नंबर 4 के ऊपर। हाँ भाई, सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट वाई, हाँ भाई अब तो ये कर लोगे ना, बहुत आसान सी बात है, क्या आएगा सोल्यूशन सेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, बहुत आसान सी बात, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। तो पार्ट ए अगेन ऑप्शन जो हमारे पास ब्लैंक नंबर एमसीक्यू नंबर 4 है बच्चों, अगेन पार्ट ए इज द परफेक्ट आंसर, 10 का स्क्वायर 100। चलो अब और नंबर 5 के ऊपर, अंडर रूट y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इज अ लीनियर इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई, लीनियर के अंदर याद रखो हाईएस्ट पावर 1 होती है, लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता क्योंकि रूट लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इज रेडिकल इक्वेशन, तो नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज बी, बी फॉर बॉल, रेडिकल इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ रही है, कमेंट में लाजमी बताना है भाई। अब आ जाओ नंबर 6 के ऊपर, सोल्यूशन सेट ऑफ 5 -3y इज इक्वल टू -7। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 5 -3y इज इक्वल टू -7, ठीक है, ये प्लस का 5 है, वहाँ जाकर बोलो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 3y एज इट इज, -3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 7 और 5 12, अब माइनस से माइनस मर गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, 3 1 3, 3 4 12, तो इसका मतलब आंसर इज 4। हाँ भाई 4 कहाँ पर है, 4 है हमारे पास सी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4। अब आ जाओ 7 के अंदर, एमसीक्यू नंबर 7 बच्चा क्या कहता है, द सोल्यूशन सेट ऑफ, हाँ भाई दोबारा आगे एक आनी कर लोगे सॉल्व, नहीं सर करके बताएं हमसे कहाँ होगा, हैं कर लो यार बता दो, खुद कोशिश करो, +5 = 10, क्या करें भाई, +5 को वहाँ ले जाओ पहले, तो बाकी को नहीं लेके जा सकते क्योंकि रूट में 10 -5 हो जाएगा, +5 वहाँ जाकर -5, 5y + 5 = 10 में से 5 गए 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, 5y + 5 = 25, प्लस का 5 आ जाकर बोलो माइनस का 5, 25 में से 5 गए 20 बचा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, सारी मैथ्स है इजी, दैट इज अगेन 4, ठीक है, कहाँ है भाई 4, सी के ऊपर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 8 के ऊपर, पार्ट नंबर 8 के ऊपर, हाँ भाई, सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस 5y/3 = 5, कर लोगे, देखो सीक्वेंस बता रहा हूँ, खुद कर लो, ठीक है, आंसर बता रहा हूँ, 5y/3 = मॉड हटा दिया तो एक दफ़ा +5 और एक दफ़ा बोलो -5,
कर लोगे, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक है, तीन वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पाँच को जाकर डिवाइड करा देना, तीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाँच को वहाँ जाकर डिवाइड कर देना, आंसर आएगा सी 3-3। आंसर बता दिया, ठीक है। तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि सर हमने किया और हमारा आंसर ये आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, बता देंगे कैसे होगा, ठीक है। चलो नंबर 9 के ऊपर आओ। हाँ भाई, सोल्यूशन सेट ऑफ -y mod 0, ठीक है। तो 0 याद रखना, ये भी बड़ी काम की बात है, 0 बड़ी काम की चीज़ है। देखो -y = वो कह रहे हैं 0, 0 कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना है बच्चों। आप कभी भी 0 को ये नहीं करते कि -0, 0 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैंने -y का हटाया तो क्या आएगा, +0, तो वो पहले से ही प्लस था तो 0 ही आएगा। अगली बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पर असल में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 0, क्लियर है। चलो नंबर 10 पर आओ। हाँ भाई, एक्स बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, एंड x माइनस y इज लेस देन 0 देन। हाँ चलो देखो ज़रा इसको समझो, देखो यहाँ कर लेते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि x बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि x माइनस y क्या है हमारे पास, वो भी 0 से छोटा है। तो हाँ भाई, कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी, देखो समझो ज़रा। कह रहे हैं कि अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों क्या हैं 0 से बड़े, लेकिन अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो वो 0 से छोटे हो जाएंगे। नहीं बात समझ में आई, देखो मान लो वो कह रहा है कि x बड़ा है 0 से, सही है। तो मैं कह देता हूँ भाई ये x बड़ा है 0 से, तो x की जगह ले लेते हैं यहाँ पर 2, क्लियर, माइनस लगा। अब वो ये कह रहा है कि y भी बड़ा है 0 से, तो अब 0 से बड़ा मैं 3 ले लेता हूँ। हाँ भाई, 3 में से 2 गए, क्या बचा, 1 बचा, 3 बड़ा तो माइनस का 1। हाँ बोलो, माइनस का 1 छोटा है 0 से, बिल्कुल छोटा है, अभी बताया था ये चीज़ यहाँ पर कि माइनस 2 छोटा, फिर उससे बड़ा कौन, -1, फिर उससे बड़ा 0, तो इसका मतलब -1 छोटा है किससे बच्चों, 0 से। तो ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ये छोटी है y के मुकाबले में। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज परफेक्ट आंसर कि x इज ग्रेटर देन y, सॉरी x इज लेस देन y, कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है कि x छोटा है y से, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, x की जगह 2 ले लिया, y की जगह 3 ले लिया, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना था कि ये 0 से बड़ा। अब देखो इस चीज़ को समझो, ये मत करना कि सर यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। नहीं देखो, वो यहाँ पर ये चीज़ तुम्हें बता रहा है कि जब दोनों को माइनस करो तो ऐसा जवाब आना चाहिए जो 0 से छोटा हो। आ रही बात समझ, इसलिए मैंने y बड़ा लिया है और x क्या लिया है, छोटा लिया है, अपनी मर्जी से नहीं लिया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बच्चों ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6, उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।